Hello, smart learners. So ready to start a new chapter of your book, Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 4th by Brain Root Series. And today we'll start chapter number 16, our national symbols. हमारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं, अलग अलग नेशनल सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, विल रीड इन दिस चैप्टर. सम एंड सब्सटेंस, नेशनल सिंबल्स, द नेशनल फ्लैग. क्या है हमारा नेशनल फ्लैग, कैसा है हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्ब्लेम, अदर नेशनल सिंबल्स. सो दिस चैप्टर इज टोटली ऑफ नेशनल सिंबल्स. Retrieve means find out how can we as an individual give respect to our national symbols. हम अपने जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं हमारे उनको कैसे respect दे सकते हैं. Just think over it. सोचिए. First let's read the lesson. Lesson पढ़ते हैं. Let's come to know about the national symbols and then think over how can we respect them. National symbols. Every country adopts various symbols to represent its identity and create a feeling of unity among its people. हर country क्या करता है, कुछ न कुछ national अलग अलग symbols adopt करता है जो कि represent करता है उस country की identity को and लोगों में एक unity की भावना को, एकता की भावना को जगाता है. Such symbols are known as national symbols. और ऐसे ही symbols जो होते हैं वो कहलाते हैं national symbols. A national symbol represents a country. किसी country को represent करता है उसका national symbol. A national symbol, they carry values, traditions and the history of a nation. उस देश का जो history है, जो past history है और ट्रेडिशंस जो हैं उस कंट्री के, उस कंट्री के ट्रेडिशंस, कंट्री के वैल्यूज़ क्या क्या हैं और उसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में ये नेशनल सिंबल्स हमें बताते हैं. दीज आर ऑब्जर्व्ड इन प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेस. अब ये नेशनल सिंबल्स कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस, डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. इंडिया हैज़ मैनी नेशनल सिंबल्स. अब इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के नेशनल सिंबल्स हैं. कौन कौन से हैं, लाइक द नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्ब्लेम. दे रिप्रेजेंट इंडियन हेरिटेज एंड गिव अस द सेंस ऑफ प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म. जब हम अपने नेशनल फ्लैग को देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं, तो उससे क्या भावना जागृत होती है, हर एक इंडियन के मन में एक प्राउड फीलिंग आता है और राष्ट्रीयता की भावना जागती है. ऑल दीज सिंबलाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. ये तीनों चीज़ें किस चीज़ का सिंबल है कि इंडिया की आज़ादी का सिंबल है. लेट अस डिस्कस अबाउट आवर नेशनल सिंबल्स. तो अब हम पढ़ेंगे इन नेशनल सिंबल्स के बारे में. National flag. Our national flag is called the Tiranga or the Tricolor. हमारे national flag का नाम Tiranga भी है, हम उसे Tiranga भी कहते हैं और Tricolor भी कहते हैं. The rectangular flag has three horizontal bands of the same size. अब हमारा जो flag है, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो rectangular shape का है और उसमें तीन horizontal bands हैं एक ही size के. The saffron band at the top symbolizes courage and sacrifice. जो saffron band है ये देखिए, ये वाला जो band है saffron band, ये क्या symbolize करता है, courage और बहादुरी और sacrifice. The white band in the middle, this is the white band, it's in the middle, it symbolizes honesty, purity and peace. The green band at the bottom represents prosperity. Fine? And this is the national flag, Tiranga. There is a navy blue wheel in the center with 24 spokes. Ek navy blue color ka wheel hai, white wale band mein, aur uske kitne spokes hain? 24.
इट रिप्रेजेंट्स द धर्म चक्र कॉल्ड द अशोक चक्र, जो अशोक चक्र है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसे कि धर्म चक्र भी कहा जाता है. इट सिंबलाइजेस राइटियसनेस. द नेशनल फ्लैग सिंबलाइजेस आर कंट्री एंड आर प्राइड. इट इज होस्टेड ऑन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स, ऑफिसेस एंड पब्लिक प्लेसेस. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, प्राइवेट बिल्डिंग्स पे, या ऑफिसेस के ऊपर और पब्लिक प्लेसेस पे इसको फहराया जाता है. इट इज होस्टेड ऑन नेशनल डेज. जो नेशनल डेज होते हैं उस पे इसे फहराया जाता है, लाइक द इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे. नाउ द इंटरप्रिटेशन. आर नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय, किसने डिजाइन किया था हमारे नेशनल फ्लैग का डिजाइन, किसने बनाया था? इट वॉज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया, अ फ्रीडम फाइटर. एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था पिंगाली वेंकैया. उन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था. रूल्स फॉर होस्टिंग नेशनल फ्लैग. अब राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का तरीका क्या होता है? देयर इज अ वे टू होस्ट द नेशनल फ्लैग. ऐसे ही फहराने ही दिया जाता है. सर्टन रूल्स नीड टू बी फॉलोड व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग. क्योंकि वो नेशनल फ्लैग है, एक गर्व का प्रतीक है, हमारे देश को सिंबलाइज करता है, तो उसको फहराने का एक प्रॉपर तरीका होता है. द फ्लैग शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली. उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखना चाहिए. अ डैमेज्ड फ्लैग शुड नेवर बी होस्टेड. और अगर किसी कारणवश वो डैमेज हो गया है फ्लैग, तो उसको कभी फहराना नहीं चाहिए. वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन वाइल लोअरिंग एंड होस्टिंग द फ्लैग. जब झंडा फहराया जाता है, व्हेन द फ्लैग इज होस्टेड, तो हमें अटेंशन पोजीशन में खड़े रहना चाहिए बिना हिले, और जब वो फहराया जाता है तब भी, और जब उसको लोअर डाउन किया जाता है तब भी. द फ्लैग शुड बी होस्टेड ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. सनराइज और सनसेट के बीच में ही फ्लैग होस्टिंग होनी चाहिए. द सैफ्रन बैंड ऑफ द फ्लैग शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप. ध्यान रखना चाहिए जब हम फ्लैग होस्ट करते हैं कि हमारा फ्लैग उल्टा तो नहीं है, क्योंकि टॉप पे हमेशा सैफ्रन बैंड ही आता है. Interpretation: The navy blue wheel in the middle of the flag is taken from the lion capital of the Ashoka pillar at Sarnath. Sarnath mein jo Ashoka pillar hai, jo lion capital of the Ashoka pillar hai, wahan se is wheel ko liya gaya hai hamare national flag mein. Now, national anthem. We all are very well aware of the national anthem. हम सभी जानते हैं national anthem, और सभी को याद है ये national anthem. India's national anthem Jana Gana Mana was composed by, किसने compose किया था Jana Gana Mana? Rabindranath Tagore, and adopted on 24th January 1950 में ये जो हमारा national anthem है इसको adopt किया गया था. Sung at national events, it symbolizes respects for the country. और इन्हें ये जो national anthem है ये किसी भी national event में गाया जाता है हमेशा. और ये क्या symbolize करता है? कि हमारे देश के लिए जो हमारा respect है, जो इज्जत हम करते हैं अपने देश की. We should stand at attention when it is played, which lasts about 52 seconds. ये जो हमारा national anthem है इसका जो duration है वो है 52 seconds का. और जब तक national anthem चलता है हमें attention position में खड़े रहना चाहिए. See, he is Rabindranath Tagore who composed our national anthem Jana Gana Mana. Now comes the national song. Our national song Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee in Sanskrit. हमारा जो national song है Vande Mataram, देखिए national anthem Jana Gana Mana और national song Vande Mataram. Vande Mataram को compose किया था श्री Bankim Chandra Chatterjee ने, और उन्होंने compose किया था संस्कृत में इसे. Now the spot inspect children, some short questions here. What is the English translation of Satyamev Jayate? Satyamev Jayate ka English translation, what is it? Its English translation is truth, truth alone triumphs. T-R-U-I-M-P-H-S. Truth alone triumphs.
मीन्स सत्य की सदैव जीत होती है. When was national anthem adopted by the Constituent Assembly? The national anthem was adopted on 26th January 1950. Okay? Now children, name some national symbols of India. अब इंडिया के और कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं? सी, अभी हमने पढ़ा नेशनल एंथम. सो आई विल नॉट बी राइट एबल टू राइट ऑल द थिंग्स हियर. आई विल राइट फ्यू ऑफ देम. नेशनल एंथम, देन नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल ट्री एंड मेनी मोर. व्हिच इज आवर नेशनल बर्ड? हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है भारत का? इट्स द पीकॉक. PECOCK. पीकॉक. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ तिरंगा? तिरंगा का दूसरा नाम क्या है? ट्राइकलर. इट्स द ट्राइकलर. फाइन. नाउ कम्स द नेशनल एम्ब्लम. The national emblem of our country was adopted on 26 January 1950. इसे भी 26 January 1950 को adopt किया गया. The lion capital is the national emblem of India. India का जो national emblem है वो है lion capital. It has been adopted from the Ashoka pillar at Sarnath. Sarnath में जो Ashoka pillar है वहाँ से इसे लिया गया है. It has four lions standing back to back. इसमें क्या है? चार lions है back to back, वो खड़े हैं. And however, we can see only three lions at a time. लेकिन at a time जब हम सामने से देखते हैं तो हमें केवल three lions ही दिखते हैं, क्योंकि एक lion back side में चला जाता है. And the fourth lion is always hidden from our view. These lions back to back are mounted on a circular abacus. एक circular abacus है, उसके ऊपर mounted हैं ये चार lions. Has Ashok Chakra and sculptures of lion, a bull, an elephant and a horse between them. और इनके बीच में क्या है? एक अशोक चक्र बना हुआ है और उसमें sculptures किसके हैं? Lion के, bull के, elephant के और horse का. Fine? See. The words Satyameva Jayate, truth alone triumphs, are inscribed below the base of the emblem. Emblem, ये देखिए national emblem है. अभी आपको कितने lines दिख रहे हैं? 1, 2, 3. Only three lines. ऐसे ही three lines हमेशा visible होते हैं क्योंकि एक back side पे होता है. और इसके बीच में देखिए ये क्या है? अशोक चक्र बना हुआ है और यहाँ एनिमल्स हैं. मुझे बताया अभी आपको लायन, एक देर इज अ बुल, अ लायन, एन एलिफेंट एंड अ हॉर्स. और इसके नीचे यहाँ पे क्या माउंटेड है? सत्यमेव जयते. इंटरप्रिटेशन. द नेशनल एम्ब्लम फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वोटर आईडी एंड करेंसी ऑफ इंडिया. आप देखिएगा ये जो नेशनल एम्ब्लम है, सारे जितने भी ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर ये मार्क्ड होते हैं. जैसे कि आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट कोई है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है एंड जो करेंसी है हमारी इंडिया की, रुपए के ऊपर भी ये नेशनल एम्ब्लम माउंटेड है, छपा हुआ होता है. फाइन. Other national symbols. और दूसरे national symbols क्या क्या हैं? Some other national symbols of our country are listed below. The Royal Bengal Tiger is our national animal. National animal क्या है? Royal Bengal Tiger. It represents power and strength. क्या दर्शाता है? Power और strength. The peacock is our national bird. It is symbol of, किसका symbol है ये? Beauty and grace. क्योंकि जब आप पीकॉक को देखते हैं, व्हेन द पीकॉक जब अपने फेदर्स ओपन करता है, अपने पंख खोलता है, तो कितना सुंदर लगता है. इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड वेरी ग्रेसफुल. द लोटस इज आर नेशनल फ्लावर. इट रिप्रेजेंट्स डिग्निटी, वेल्थ एंड नॉलेज. द इंडियन एलिफेंट इज आर नेशनल हेरिटेज एनिमल.
और जो इंडियन एलिफेंट है वो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है. द गंगा इज आर नेशनल रिवर. द गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज आर नेशनल एक्वेटिक एनिमल. नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंजेस रिवर डॉल्फिन. द बैनियन ट्री इज आर नेशनल ट्री. मैंगो इज आर नेशनल फ्रूट. The national symbols of a country give its citizens a sense of belonging to the country and unite them irrespective of their caste, creed and religion. किसी भी कास्ट का हो, कैसी भी जाति धर्म, कोई भेदभाव नहीं होता है. सब एक साथ इन सिंबल्स, ये जो सिंबल्स होते हैं हमारी कंट्री के जो सिंबल्स हैं वो इन सिटीजन्स को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देते हैं. It is thus essential for us to respect and preserve them. इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी इज्जत करें और इसको संभाल के रखें. Look, national animal tiger, Royal Bengal tiger, national bird peacock, national flower lotus, national aquatic animal dolphin, national river Ganga and national tree banyan tree. Fine children, now the catalogue here. Anthem. What is an anthem? A song that has a special importance for a country. किसी country के लिए जो special importance रखता है वो song उसे कहते हैं anthem. Emblem. A design that represents a country. जो national emblem है हमारा, वो जो four lions हैं वो हमारी country को represent करता है क्योंकि हर एक document में वो printed होता है. Prosperity means growth. Righteousness, being morally right. And triumph means a great success. Now, a look over to this chapter, what we have read in this chapter. A national symbol represents a country. Kisi country ko represent karta hai, uska national symbol. Our national flag is Tiranga. Our national anthem is Janaganamana. Our national song is Vande Mataram. Our national emblem is the lion capital. Some other national symbols of our country include Royal Bengal tiger, peacock, lotus flower, Indian elephant, Ganges River dolphin, Ganges River dolphin, banyan tree, mango fruit and Ganga River. Fine, so I hope you have understood these national symbols very well and why they are necessary and why we should respect them. Okay? Now the estimation corner, children. The emblem shows dash lions. हमारे national emblem में कितने lions होते हैं? How many lions are there? Four. It shows four lions. But one is always invisible. पीछे, not invisible, it is not seen. Three are seen और एक backside में रहता है. The green color on our national flag stands for courage, peace, sacrifice, prosperity. Green color क्या show करता है? Prosperity. Who wrote the national anthem of India? Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, King Ashoka, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore wrote the national anthem of India. What is the other name of Ashok Chakra? Vakt Chakra, Hindustan Chakra, Dharma Chakra, none of these. Dusra naam Ashok Chakra ka kya hai? Dharma Chakra. Is our national heritage animal? Hamara national heritage animal kaun sa hai? Deer, dolphin, Indian elephant, Royal Bengal tiger. Indian elephant is our national heritage animal. Now moving further, we come to fill in the blanks. Our national flag has dash colors. Kitne colors hai hamare national flag mein? It has three colors. Our national anthem is, hamara national anthem kya hai? It is Jana Gana Mana. Jana Gana Mana. Our national flag was designed by, kisse design kiya tha hamara national flag? It was designed by Pingali Venkaiya. So write down here, Pingali Venkaiya. Okay? Dash is our national aquatic animal. Dolphin is our national aquatic animal. Our national song was composed by, किसने compose किया था हमारा national song? Vande Mataram, Bankim Chandra Chatterjee.
बंकिम चंद्र चटर्जी. फाइन. नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द व्हील इन द व्हाइट बैंड ऑफ द नेशनल फ्लैग हैज 26 स्पोक्स. क्या जो हमारे नेशनल फ्लैग में जो व्हील है बीच में व्हाइट बैंड पे जो व्हील है उसके 26 स्पोक्स हैं? नो, दिस इज फॉल्स. इट हैज 24 स्पोक्स. आर नेशनल फ्लैग इज तिरंगा. यस, ट्रू. नेशनल बर्ड पीकॉक इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. राइट डाउन टी. द नेशनल एम्बलम वॉज अडॉप्टेड ऑन 14th जनवरी. नो, फॉल्स. द फ्लैग शुड बी होस्टेड इन नून. It is not necessary that the flag should be hoisted in noon. It can be hoisted after sunrise and before sunset. Okay? So this is false. It is not necessary that it should be hoisted in noon. Now answer the following questions. What do the three colors of the Tiranga symbolize? Explain the importance of national flag. अब थ्री जो कलर्स हैं हमारे सैफ्रन वाइट एंड ग्रीन, अभी हमने पढ़ा कि वो थ्री कलर्स क्या क्या सिंबलाइज करते हैं. ओके okay? और हमारा नेशनल फ्लैग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट सैफ्रन. सैफ्रन इज फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस. ओके. Then white. White is for truth and peace. And then comes the green. Green is for faith and prosperity. And the importance of national flag is that it shows the unity, integrity and sovereignty of our country. Write the rules for hoisting national flag. अभी हमने पढ़ा कि एक national flag को अपने national flag को hoist करने का एक तरीका होता है. There are rules to hoist the national flag. So just read them and write them down. What is the national emblem of India? And where was it adopted from? The national emblem of India is the lion, capital of Ashoka. And where was it adopted from? It was adopted from a sculpted pillar in Sarnath. Name some plants and animals that have been adopted as national symbols of India. Kuch plants and animals hain jo jinhein ki adopt kiya gaya hai as national symbols of India. Kaun kaun se hain? Jaise national tree, banyan tree, then the national flower, lotus, the national animal is the Royal Bengal tiger, the national bird is the peacock. And does this benefit the species? Yes, they benefit. How? They benefit the species because we need to protect and save our national symbols. ये जो national symbols हैं इनकी हमें सुरक्षा करनी ज़रूरी है. So as we protect them, so they will not become endangered species. They will not be extinct. Okay? जब हम इन्हें प्रिजर्व करेंगे तो ये extinct नहीं होंगे. Write a note on national anthem. अभी हमने नेशनल एंथम के बारे में पढ़ा, किसने कंपोज किया था नेशनल एंथम, जनगणमन. सो रीड देम, रीड दैट नेशनल एंथम टॉपिक एंड राइट इट डाउन हियर. सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर. वाजंट इट एन इंटरेस्टिंग वन? मजा आया ना इसे पढ़ के? बिकॉज यू केम टू नो मेनी थिंग्स अबाउट आर नेशनल सिंबल्स. कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं, कितने तरह के नेशनल सिंबल्स हैं. सो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल मीट सून विद अ न्यू चैप्टर अगेन. टिल देन बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय.